मासा धुन बजाओगे मोहब्बत है क्या चीज। ये रात क्यों होती है, ये पीर कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या शास्त्री वाले हो, चाहे ये सही चाहे हम सही, आपके मनोरंजन के लिए हम अपना कलेजा निकाल के रख देते हैं। और क्या दुख हमारे दिल में होता है जब आपकी तालियां बजती हैं तो हम घर की सब परेशानियों को भूल करके आपका मनोरंजन करते हैं। सो गए, कोई बात नहीं। इस समय हमारे बस्ते में सबसे भारी चीज आपके सामने रख रहा हूं। हमारी माता बहनाएं अगर हम मकान बना करके देते हैं तो वो घर बना देती हैं। बगैर औरत के मकान मकान ही रहता है, घर नहीं बन सकता। घर जब ही बनता है जब बहन अपने प्यार और स्नेह को उसमें पिरोती है। मेरे गांव के एक बिल्कुल बेकार आदमी जो मैं समझता था, उसने एक दिन मुझे बताया, बोले मकान कैसे जिंदा रहता है। मैंने कहा मकान कलई पेंट से रहता है। बोले गलत, तू नहीं जानता। मैंने कहा चाचा बताओ फिर कैसे रहता है। बोले जैसे संगीत साज से जिंदा रहता है वैसे ही मकान आवाज से जिंदा रहता है। जब उसमें लोग बोलते चालते हैं तो मकान खंडर नहीं होता, और जिस समय बोलने वाले निकल जाते हैं तो बड़ी बड़ी हवेली अपने आप गिरने लग जाती है। तो हमारी बहन जब हम घर देते हैं तो वो मकान बना देती हैं, अगर हम मूर्ति देते हैं तो उसे भगवान बना देती हैं। लेकिन कभी कभी बहनें जिद भी इतनी कर देती हैं, छोटी सी बात पर मामला बिगड़ जाता है। यह कहानी मुंबई जू चौपाटी पे एक इंजीनियर की पत्नी ने तलाक का मुकदमा इसलिए डाला, उसने एक शाम कहा कि मुझे जू चौपाटी पे ले चलो, मुझे चाट खानी है। वो बोला मैं नहीं जा रहा, मैं काम से थका हुआ हूं, तू खाया। उसने मुकदमा डाल दिया, ऐसे पति के साथ मुझे नहीं रहना जो एक समय मुझे चाट का दोना नहीं खिला सकता। अगर कोई बड़ी बीमारी मुझे बन गई तो ये मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ती हूं। और उसे छोड़ने के लिए तो मुकदमा चल रहा है, जज साहब ने मुकदमा जजमेंट पे लिया, दोनों तरफ के वकील खड़े हैं और बहस हो रही है। बहस होने के बाद में दोनों तलाक लेने वाले हैं। जज साहब ने अपनी कलम पकड़ रखी है और जज साहब लिखने वाले हैं, तब उनकी नजर गई तो ये बेटी खड़ी है। जज साहब ने कहा ये कौन है। बोले बाबूजी ये इन दोनों की बेटी है, इन दोनों की बेटी है।
तो देखिए जज साहब ने कहा कि इस लड़की जब है तो इसका फैसला होना चाहिए। तो लड़की से कहा, न्यायालय में बिगड़ता, न्यायालय में बिगड़ता, और जो था रिश्ता पाक, अरे न्यायालय में बिगड़ता, जो था रिश्ता पाक, और एक छोटी सी बात पे आज होने लगी है तलाक, एक छोटी सी बात पे आज होने लगी है तलाक। जैसा बोले, अरे बिटिया तू चुप क्यों खड़ी, बिटिया रे जाएगी किसके साथ में, माँ बाप में से एक चुन तू जाएगी किसके साथ में, बता तू कहे तो तेरे पापा के साथ लिख दू, और तू चाहे तो अपनी माँ के साथ चली जा। लड़की की आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबूजी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोले बेटी कहो अनवार। तो लड़की ने जज साहब से कहा, बाबूजी मम्मी पापा में झगड़ा हुआ, इन्होंने मुकदमा तलाक का डाल दिया, लेकिन मेरी गलती क्या है, कि क्या है कसूर मेरा, देख क्या है कसूर मेरा, क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ, ये क्या है कसूर मेरा, क्या है कसूर मेरा, कुछ तो बताओ। और समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुना। भगवान गुरु, माँ की ममता प्यार पिता का, और ये घर का मजबून है, माँ की ममता प्यार पिता का, माँ की ममता प्यार पिता का, ये घर का मजबून है, दोनों की, इन दोनों की संतान हूँ मैं, दोनों का ही मुझ में खून है, दोनों की संतान हूँ मैं, इन दोनों का मुझ पे खून है, माता पिता की गोदी में बच्चे को मिले सुकून है, माता पिता की गोदी में बच्चे को मिले सुकून है, अरे मेरे बचपन का अधिकार छीन रहे, बचपन रे छीनते ये कैसा कानून है।
फैसला सुना के मतना, फैसला सुना के मतना कले जाहिला। अरे फैसला सुना के मतना, फैसला सुना के मतना कले जाहिला। सोच समझ के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुना। बाबूजी आप तो अधिकारी हैं तो कुछ भी लिख दें। आपने बड़ी आसानी से कह दिया तुझे माँ के साथ लिख दूं या बाप के साथ। भैया चाय वाले हो अगर बैठ जाओगे तो अच्छी बात रहेगी, वरना मेरी तुम्हारी चाय के चक्कर में मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। क्या बात। बेटी कहती है भगवान गुरु आपने बड़ी आसानी से कह दिया तुझे तेरी माँ के साथ लिख दूं, ये आपने पापा के साथ जाएगी लेकिन मैं किसके साथ जाऊं बाबूजी। बेटी कहती है अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो ये मिलेगा, वहां जाती तो ये मिलेगा। और ये बंद तुमने ये समझ कर सुन लिया कि तुम्हारी बेटी तुमसे कह रही है तो मेरा गाना और तुम्हारा सुनना दोनों धन्य हो जाएगा। माँ बापों ने क्या गलती है, माँ बापों ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में, माँ बापों ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में। और बाबूजी रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। अरे रंग सभी फीके पड़ जाएं, रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। और अगर मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ तो ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। अरे ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। और अगर ये लाइन तुमने समझ ली तो मैं गारंटी से कहता हूँ तुम्हारे हृदय में घाव कर जाएगी। ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। बिन बाबुल के तुम ही बता दो, बिन बाबुल रे हो। अरे बिन बाबुल के तुम ही बता दो, बिन बाबुल के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठाए डोली में। अरे बिन बाबुल के तुम ही बताओ, बिन बाबुल के तुम ही बता दो खुश हो गया। दोनों ही तरफ से आज जो दंगल हुआ है मेरी मेहनत वसूल हो गई और साथ में सब जो मेरी जनता बैठी हुई है मुझे गाली नहीं देगी क्योंकि भगवान गुरु ने कोई दंगल कराया है। इसी तरीके से मैं मुकेश मामा से भी कहूँगा इनसे ऐसे ही दंगल जहाँ हम जाएं और दोनों ही गाते रहें तो जो माँ बेटी बहन बेटी हैं वो रसिया देखना पसंद करेंगी और बस्ती में रसिया हो रहा है इसी तरह के रसिया गाएं। अश्लील भाषा से कोई रसिया का मजा नहीं है, बढ़िया तरीका दे दी। अरे बिन बाबुल के तुम ही बताओ, बिन बाबुल के तुम ही बताओ मुझे कौन बिठाएगा डोली में। बिन बाबुल के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठाएगा डोली में। तो एक हो जाए मम्मी पापा, एक हो जाए मम्मी पापा वो रास्ता दिखाओ। एक हो जाए मम्मी पापा, एक हो जाए मम्मी पापा वो रास्ता दिखाओ। वकील बोले बाबूजी अदालत हमेशा सबूतों पे न्याय करती है, भावना में बह करके नहीं करती। ये बेटी की बातें हैं, ये बातें कर रही है, इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए आप अपना फैसला मुकर्रर रखिए। तो बेटी देखो उन वकीलों से क्या कह रही है। दर्द झेल रही
घड़ी घड़ी में माँ बापों की खोटों का दर्द झेल रही, दर्द झेल रही घड़ी घड़ी में माँ बापों की खोटों का। और दिल पे मेरे चोट पड़ी, एहसास नहीं है चोटों का। दिल पे मेरे चोट पड़ी, एहसास नहीं है चोटों का। और ये वकील आपस में क्यों लड़ रहे हैं मालूम है? ये तड़क भड़क के बात करें, इनको लालच है नोटों का। तड़क भड़क के बात करें, इनको लालच है नोटों का। अरे बचपन उजड़ जाएगा मेरा, बचपन रे जाओ। मम्मी पापा दोनों मेरी, मम्मी पापा दोनों मेरी बात मान जाओ। और जब लड़की ने आंखों में आंसू भर के कहा कि मम्मी पापा दोनों मेरी बात मान जाओ, तो कटघरे में खड़ी हुई माँ के आंसू आ गए और कटघरे से निकल करके आ गई बेटी के पास। और बाप की भी आंखों में आंसू आ गए, बेटी के आंसू देख करके उसका भी कलेजा फट गया और वो भी आ गया। और दोनों ने चेट भर ली और कहने लगे, आंखें खोल दई बेटी तने बड़ी मुसीबत टारी है। आंखें खोल दई, आंखें खोल दई बेटी तने बड़ी मुसीबत टारी है। और मम्मी पापा के आंगन की तू ही तो फुलवारी है। मम्मी पापा के आंगन की तू ही तो फुलवारी है। और जसाब कर दो केस को बंद, आज तक जो न्यायालय में जारी है। कर दो केस को बंद, आज तक जो न्यायालय में जारी है। और वो तो संभल गए दोनों माँ बाप, उनके लिए तालियां इस लाइन पे आनी चाहिए। कर दो केस को बंद, आज तक जो न्यायालय में जारी है। अब चाहिए नहीं तलाक हमें, चाहिए रे साहब ने केस को बर्खास्त कर दिया और दोनों को नसीहत दी क्या कि बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। और मेरे डॉक्टर के गीत सभी मिलजुल के गाओ। डॉक्टर के गीत सभी मिलजुल के गाओ।